तो चलिए दोस्तों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। एसटी वर्ड मीनिंग मैंने लिया है और मैं कंटिन्यूअस आप लोगों को भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वर्ड मीनिंग कैसे आपको याद करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे डाले हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और इसको आप लोग मतलब ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन आप दे सकते हैं तो प्लीज़ दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो जो भी डालूंगा आप लोग को वो मिलते रहेगा बार बार, ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं देना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज मैं टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जितने भी टी के वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर डाला हूँ, और नए नए ट्रिक्स आप लोग में याद करा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग है आपका टाइटेनिक, ठीक है? टाइटेनिक, टाइटेनिक सभी जानते हैं कि टाइटेनिक बहुत बड़ी जहाज़ थी, ठीक है? तो बहुत बड़ी जहाज़ है तो भाई ओबियस बात है, इसको याद करना कोई बड़ी ये नहीं कि टाइटेनिक जहाज़ नाम सुनते ही लोग को लगता है कि भाई बहुत बड़ा कोई ह्यूज चीज़ की बात हो रही है। तो बहुत बड़ा या प्रबल, ठीक है? बहुत बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनिक बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल, TOIL, ट्वेल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ट्वेल, ट्वेल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आप ये काम कर रहे हो तो मतलब तुम्हारा पसीना निकल रहा है, तुम पूरा ऑयल निकल रहा है बॉडी से, ऑयल निकल मतलब कोई भी अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हो, किसी भी काम को ज़्यादा देर तक करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आप उसको ट्वेल बोल सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम करेंगे तो मेरा पसीने, मेरा ऑयल निकल जाएगा, मेरा तेल निकल जाएगा, इस तरह बोला जाता है ना। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो कि ट्वेल है मतलब, ट्वेल मतलब परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, ठीक है? जैसे हम लोग खुद जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं ट्वेल मेरा निकल जाता है प्रिपरेशन करने के चलते, ठीक है? तो ट्वेल्व का मतलब हो गया आपको परिश्रम करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ट्यूमिड, ट्यूमिड, तो यहाँ पे ट्यूमिड का मतलब क्या होता है कि ट्यूमी मतलब टमी, इसको याद कर लो आप, टमी देख लो, टमी मतलब क्या होता है, पेट होता है, नहीं बोलते हैं कि आपका टमी बहुत निकल रहा है, ठीक है? तो टमी, TUMID, टमिड मतलब क्या होता है, फूला हुआ, आपका पेट अगर फूला हुआ है तो आप उसे याद कर सकते हो, टमिड मतलब टमी मतलब फूला हुआ या निकला हुआ, ठीक है? तो टमिड मतलब क्या हुआ, फूला हुआ, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं टेंडर, TENDER, टेंडर, टेंडर, तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि टेंडर लेने के लिए बहुत सारा मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं कि कैसे हम टेंडर लें। तो टेंडर लेने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको दयालु होना पड़ेगा या करुण होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो टेंडर को फॉर्म भरने और लेने जा रहे हो तो वहाँ पर आप झगड़ा झूड़ी करने लगे तो आपको टेंडर नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको टेंडर लेना है तो आपको बहुत दयालु या करुण होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर टेंडर का मतलब हुआ दयालु या करुण। नेक्स्ट है आपका टैंट्रम, 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 बहुत सारा हम लोग देखते हैं गांव में या कहीं भी बहुत जगह पर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चलता है, या इसको आप छोड़ो, इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि अगर आप 10 रम पी लेते हो, 10 रम पी लेते हो एक बार में, कोई भी आदमी अगर 10 रम पी लेता है तो क्या होगा, बहुत बदमिजाजी हो जाएगा या झल्लाहट उसमें आ जाएगी, मतलब वो रॉन्ग बिहेवियर करने लगेगा, ठीक है? तो टेंट्रम का मतलब हुआ अगर 10 रम आप पीते हो तो बदमिजाजी करने लगोगे या फिर झल्लाहट करने लगोगे, ठीक है? तो टेंट्रम का मतलब आपको याद करना है कैसे, कि बदमिजाजी या झल्लाहट, ठीक है? टेंट्रम हो गया। नेक्स्ट वन इज टार्डी, टार्डी, टार्डी का मतलब होता है आपको धीमा या मंद। तो अगर आप बहुत हार्ड ही काम करते हो, बहुत ही हार्ड काम करते हो तो आप टायर्ड हो जाते हो, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। तो जब आदमी टायर्ड हो जाता है तो वो क्या होता है, वो मतलब धीमा काम करने लगा या मंद काम करने लगा, तो इसको आप टार्डी से याद करते हो, टार्डी मतलब हार्ड ही काम करोगे तो टायर्ड हो जाओगे, टायर्ड हो तो क्या होगा, धीमा होगा या मंद हो जाओगे। इस तरह क्या होगा कि आप एक वर्ड मीनिंग से आप दो तीन वर्ड मीनिंग को कोरिलेट कर सकते हो, उससे आपका सारा वर्ड मीनिंग क्या होगा कि मतलब कंसाइजली आपको हरदम याद रहेगा, हरदम माइंड पर रहेगा, ठीक है? तो टार्डी का मतलब हुआ कि आप हार्ड ही काम कर रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, धीमा हो जाओगे या मंद हो जाओगे, ठीक है? टार्डी मीन्स धीमा या मंद। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप एक छोटा सा अपना कॉपी बना लो, नोट्स बना लो, और उसमें ये सारे जो मैं एक्रोनिम्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको कोरिलेट करना है उसको आप लिख लो, और उसको फिर से दोबारा उसको देखते रहो। आप एक दो बार देखोगे मतलब, जैसे आप सिंपली जो जो वर्ड में याद करते हो उस तरह याद करने पर आप तुरंत भूल जाते हो, या उसको रेगुलर वे में आपको रखना पड़ता है। इसको है कि आप ऐसे मतलब पोएम जिस तरह बोल सकते हो, या ऐसे रेगुलर वे में आप जो हरदम लोग काम करते हैं उस बेसिस पर हम सब कुछ आपको याद करा रहे हैं, और ये सारा का सारा वर्ड मीनिंग आप याद रख लोगे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज स्टेडियम,
टेडियम मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि टेडियम का मतलब होता है थकावट या कठिनाई, तो टेडियम मतलब उसको आप स्टेडियम समझ लो कि स्टेडियम में हम लोग अगर जाते हैं और एक बार कोई बोले कि स्टेडियम को चक्कर मार लो तो क्या होगा, थकावट या कठिनाई हो जाएगी। या स्टेडियम में फिर बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कि थक जाते हैं गेम खेलते खेलते लास्ट तक, तो टेडियम मतलब स्टेडियम आप याद रख लो। और स्टेडियम में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं थकावट या कठिनाई उसमें महसूस होती है, थकावट होने लगती है, ठीक है। तो एक निगेटिव वर्ड है टेडियम, ठीक है। तो आई होप कि स्टेडियम आप लोग को याद हो जाएगा। स्टेडियम से इसको आप मतलब कंसल्ट करा सकते हो और उसको उससे सोच सकते हो। मेरा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपको टैकीटर्न। टैकीटर्न आप मान लो किसी टैक्सी में बैठे हुए हो, ठीक है, किसी टैक्सी में बैठे हुए हो और जो ड्राइवर है वो उसको मतलब चला रहा है, और टर्निंग के पॉइंट पे क्या होता है, टर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत सावधानी से उसको घुमाना पड़ता है, और उस टाइम पे आप उससे बहुत ही गप्पे लगा लड़ाए जा रहे हो, बहुत बोले जा रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे घटना घटने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर टैकी टर्न आपका है तो टैक्सी को टर्न करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्पभाषी होना पड़ेगा, आपको कम बोलना पड़ेगा, आप ज़्यादा बोलोगे तो वहाँ पे कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो टैकी टर्न को आप टैक्सी टर्न को याद रख लो, टैक्सी को टर्न करा रहे हो तो वहाँ पर आपको चुपचाप रहना है, ट्रेन में अगर बैठे हो तो, टैक्सी में अगर आप बैठे हो तो उसको आप चुपचाप वहीं पर बैठे रहो, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा आप मतलब इसको कंसनट्रेट कर सकते हो, ठीक है, उस पर आप सोच सकते हो। नेक्स्ट वन इज टैरी, TARY, टैरी। टैरी का मतलब क्या होता है, टैरी का मतलब होता है विलंब या देरी करना। टैरी का मतलब होता है विलंब या देरी करना। जैसे आप मान लो कि आप मैरी कर रहे हो कहीं पे, जिसकी भी शादी हो जाती है वो सोचता है कि जल्दी यहाँ शादी करके हम निकल जाएँ, जल्दी भागे इस सब टेंशन से दूर हो जाएँ। तो टैरी मतलब याद रख लो कि मैरी मैरी अगर आपका हो रहा है तो आप थोड़ा भी विलंब करना नहीं चाहेंगे कि, या देरी करना नहीं चाहेंगे कि मैरी हो गया और मैं यहीं पे रुका रहा हूँ, सब लोग सोचता है कि घर जाए आराम जाकर सोए बैठे। तो टैरी का मतलब आप याद रख लो कि मैरी हो रहा है तो मैरी होता है, आप विलंब करना नहीं चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाउनी। टाउनी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो टाउन में रहते हैं वो, या फिर कहीं से आते हैं और टाउन में रहने लगते हैं, तो बहुत कम समय में, चूंकि वो दिन भर रूम में ही रहते हैं मैक्सिमम केस में, या अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप दिन भर अगर रूम में तैयारी कर रहे हो तो आपके शरीर में क्या होता है, पीलापन टाइप का आ जाता है। तो पीलापन लिए हुए भूरा, मैंने एक तरह के कलर को ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि एक तरह का पीलापन कलर है। ये क्वेश्चन पिछले बार शायद किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो उसमें मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था कि कोई भी अगर कलर है जो कि हल्का मतलब पीला है और वो भूरा टाइप में मतलब रहता है तो उसमें क्या बोलते हैं, तो उसको टाउनी बोला जाता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, टाउनी मतलब पीलापन लिए हुए भूरा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में जो 10 वर्ड मीनिंग है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।